शबरी को धन्य बतलाया गया तो शबरी को धन्य क्यों बताया गया जरा ध्यान दीजिएगा। यही शबरी जो है ये पूर्व जन्म में कौन थी आइए ध्यान देंगे। पूर्व जन्म रानी रही संत दरस की आस पुनि भिलनी बन बन फिरी रही मतंग के पास। ये शबरी पूर्व जन्म में रानी थी। रानी के अंदर बड़ी ही भक्ति विराजमान थी। भक्ति भाव में हर वक्त मस्त रहती थी। लेकिन एक रानी है, रानी का मन तो ये करता था कि मैं जाकर के संतों के साथ में रहूं, जाकर के संतों की सेवा करूं, संतों के साथ में भजन गाऊं, नाचूं, ऐसा भाव रहता था रानी के अंदर। लेकिन रानी भला आम सभाओं में कैसे जा सकती है। एक दिन का जिक्र, रानी अपने राजा से कहने लगी, अपने स्वामी से कहने लगी, स्वामी मेरा मन करता है कि संत मंडली के साथ में मैं जाऊं और जाकर के बैठ के उनके साथ भजन करूं, नाचूं, गाऊं। राजा ने कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, अगर तुम जाकर के संतों के साथ में बैठोगी, संतों के साथ में गाओगी, संतों के साथ में नाचोगी तो समाज में हमारा सम्मान रह जाएगा। तुम रानी हो, आम सभाओं में नहीं जा सकती हो। हे भैया, जिस समय इतनी बात सुनी है रानी ने तो विचार करने लगी कि ऐसे रानी होने से क्या फायदा, क्या फायदा अगर संतों की सेवा न कर पाऊं। मानव शरीर मिला है, संतों की सेवा न कर पाऊं, भगवान का भजन संतों के साथ में बैठ करके न कर पाऊं तो फिर रानी होने से क्या मतलब है। ऐसा पद नहीं चाहिए मुझे, तो वो पद चाहिए जो मैं संतों के साथ में बैठ के भगवान का भजन कर सकूं। रानी उदास हो गई। राजा ने कहा देवी अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है, संत का दर्शन करना चाहती हो, संत के साथ में भजन करना चाहती हो तो संत का दर्शन तो मैं करा सकता हूँ। तो कहा कब? कहा जब कुंभ का मेला लगेगा। भैया प्रयाग में कुंभ का मेला लगा और वहां पर आज भी अगर देखा जाए तो संतों की कोई गिनती नहीं कर सकता है, इतने वहां पर संत आते हैं और एक से एक बढ़कर के महान विभूतियां वहां पर आती हैं। राजा ने कहा चलो हम तुम्हें वहां पर चलकर के संतों का दर्शन करा देंगे। रानी बड़ा प्रसन्न हो गई कि चलो कोई बात नहीं, संतों का दर्शन तो मिलेगा। जब समय आया महाराज, राजा ने क्या किया, अपनी सेना को तैयार किया। रानी से कहा तुम भी तैयार हो जाओ, चलते हैं हम कुंभ के मेले में। रानी तैयार हो गई, बड़ा प्रसन्न है, ये सोच रही है कि अब तो मैं जाऊंगी वहां पर, संतों के साथ में थोड़ा समय बिताने को मिलेगा, उनके साथ बैठ करके भगवान का भजन करने को मिलेगा, तो बड़ा प्रसन्न है। चल पड़ी रानी। राजा रानी को साथ में लेकर के कुंभ के मेले में आए। जिस समय कुंभ के मेले में आए, रानी ने संतों की भीड़ को देखा, एकदम आनंदित हो गई और कहने लगी स्वामी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं जाकर के थोड़ा संतों के साथ में बैठ करके भगवान का भजन कर लूं, थोड़ा उनकी सेवा कर लूं। राजा ने कहा नहीं देवी, तुम्हें उनके पास नहीं जाना, उनके साथ में भजन नहीं करना, तुम तो जाओ बस गंगा जी में स्नान करो और स्नान करके हम तुरंत अपने राजमहल वापस चलते हैं। आज रानी को बड़ा दुख हो गया, बड़ा दुख हो गया। विचार करने लगी कि इतनी दूर से हम आए कि संतों का दर्शन होगा, साथ में बैठ करके कुछ भजन भाव होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। अब रानी ने सोचा ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी है, क्या फायदा ऐसे जीवन का जो जीवन पाकर के भगवान का भजन ना हो पाए, संतों का साथ ना हो पाए, सत्संग ना हो पाए, सेवा ना हो पाए, तो क्या मतलब रह गया इस मानव जीवन का। रानी ने अपने मन में विचार कर लिया कि अब मैं अपने इस शरीर को न रखूंगी, ऐसे रानी होने से क्या फायदा है, जो भगवान के भजन में संत की सेवा में बाधक बन रहा हो, जो पद ऐसे पद को मैं ठुकराती हूँ। आज रानी जाकर के गंगा जी में प्रवेश किया और जिस समय गंगा जी में प्रवेश किया, अपने मन में विचार किया और भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु अब मुझे कभी रानी न बनाना, अब मुझे रानी ना बनाना,
महाराज मुझे ऐसे कुल में भेज देना तहां पर जा करके मैं भगवान का भजन कर सकूं। जिस समय इतनी बात कही और इतना कह करके रानी आज गंगा जी में डुबकी लगाई, आज रानी ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। जिस समय राजा ने देखा, अरे रानी ने तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना जबकि पाप माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या करना महान पाप है, लेकिन आज रानी ने आत्महत्या कर ली। किस लिए? संतों का साथ न कर पाई, संतों के साथ में बैठ करके भगवान का भजन न कर पाई, संतों की सेवा न कर पाई, इसलिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शंकर माँ भवानी कैलाश पर्वत पर विराजमान आज भगवती भगवान शंकर से कहने लगी, महाराज एक बात बताओ। तो कहा, पूछो। कहा, तुलसी बाबा ने अपनी मानस में नारी को महाराज अधम लिख दिया, क्यों? कारण क्या था? जिस समय इतनी बात कही तो भगवान शंकर ने कहा, देवी जिस समय उस नारी ने अपने प्राण त्यागे, रानी ने अपने प्राण त्यागे, जबकि वो जानती थी कि आत्महत्या करना महान पाप होता है, आत्महत्या करना महान पाप होता है। तुलसी बाबा ने भी बतलाया क्या कि आत्महत्या ताहि लग जाए, आत्महत्या ताहि लग जाए, सबरी भाई करना महान पाप है भैया, इसीलिए वो रानी जाकर के नीच कुल में जाकर के भीलनी के वहां जन्म लिया। भैया भील जाति में जन्म लिया, इधर तुलसी बाबा ने नारी को अधम लिख दिया। भवानी भगवान शंकर से कहने लगी, एक बात बताओ स्वामी, यहाँ पर हमारे मन में एक शंका बन गई है। भोले बाबा ने कहा, कैसी शंका बनी है? तो कहा, महाराज शंका हमारे मन में ये बनी है, प्राण तजा सत्संग कहे, अगर रानी ने अपने प्राण त्यागे हैं तो सत्संग के पीछे, संतों की सेवा न कर पाई इसके पीछे, भगवान का भजन न कर पाई इसके पीछे, तो फिर गलती उसने क्या की महाराज? भवानी पार्वती बोल पड़ी भगवान शंकर से, प्राण तजा सत्संग हित, प्राण तजा सत्संग हित, क्या वह गलती की राम नाम में मगन होए सत्संग में।
सत्संग के कारण, संतों का साथ नहीं कर पाई, संतों की सेवा न कर पाई, भगवान का भजन नहीं कर पाई, तो क्या गलती किया उसने? तो उसने क्या गलती की? राम नाम में मग्न होकर के उसने अपने प्राण दिए, सत्संग में मन लगा करके अपने प्राण दिए, तो फिर तुलसी बाबा ने उसको अधर्म क्यों लिखा महाराज? और वो नीच जाति में जाकर के जन्म क्यों लिया महाराज? तो भगवान शंकर कहने लगे, देवी तुम्हारी बात ठीक है कि उसने अपने प्राण त्यागे हैं सत्संग के पीछे, सत्संग नहीं कर पाई, संतों की सेवा नहीं कर पाई, भगवान के नाम में मग्न होकर के उसने अपने प्राण दिए, लेकिन उसने एक गलती की है। तो कहा क्या गलती की है? भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी, पति आज्ञा को मेटी वहां। राजा ने जब ये बात कही थी रानी से कि जाओ गंगा जी में स्नान करके तुरंत वापस आओ, तो उसने यानी उस रानी ने अपने पति की बात को नहीं माना, अपने पति की बात को नहीं माना, ये गलती। और फिर जाकर के आत्महत्या के। और सुनो देवी, पति आज्ञा को मेटी वहां, आत्महत्या की न, और धर्मपति व्रत भंग कभा, तब तुलसी उस रानी ने अपने पति की आज्ञा को नहीं माना, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, ये गलती की, और दूसरे जाकर के उसने आत्महत्या की। अपने पति की बात ना मानने के कारण उसका पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, इसलिए तुलसी बाबा ने उसको नारी को अधम जात लिख दिया, और इसीलिए वो जाकर के भील के घर में जन्म लेती है। ए भैया, वही रानी आकर के भील के घर में जन्म लिया है। आज जिस समय भील के घर में जन्म लिया, धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका नाम सबरी रख दिया। आज सबरी धीरे धीरे सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, और जब विवाह के योग्य हुई तो सबरी के माता पिता ने देखा, आपस में विचार करने लगे कि देखो अब हमारी बेटी सबरी जो है ये विवाह के योग्य हो गई, ऐसा करते हैं कहीं अच्छा घर वर तलाश करके इसका विवाह कर देते हैं। ए भैया, जब कभी हम अपनी कन्या का विवाह देखने जाएं, तो आपने देखा होगा कक्षा एक में एक पुस्तक आती है वर्णमाला, उसमें जो वर्ण लिखे होते हैं का, खा, गा, घा और अंगा, बस इन्हीं के आधार पर हमें अपनी बेटी का विवाह देखना चाहिए। जब कहीं आप अपनी बेटी का विवाह देखने जाओ तो इसी इन्हीं पांच अक्षरों को ध्यान में रखते हुए अपनी कन्या का विवाह देखना चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे? तो सुन लो, पहला अक्षर आपका कौन आता है? का आता है ना। जब विवाह देखने जाओ अपनी कन्या का, जिसके घर आप पहुंचो, तो पहले का माने कारोबार, पहले उसका कारोबार देखो कि करता क्या है, ये करता क्या है। उसका कारोबार अगर अच्छा है तो ठीक है। फिर क्या आता है? फिर कौन सा अक्षर आता है? खा। खा माने खानदान, उसका खानदान देखो कैसा है, अच्छा है तब तो विवाह ठीक है करना, अन्यथा अगर खानदान बढ़िया नहीं है तो विवाह करना ठीक नहीं है। फिर अगला अक्षर कौन सा आता है? गा। गा से आपको ये देखना है कि कम से कम जिस लड़के का विवाह हम अपनी लड़की के साथ में करना चाहते हैं, उसको भला कुछ ज्ञानवान है, बुद्धि उद्धि है? अगर ज्ञान नहीं होगा, केवल लड़का सुंदर ही हो और ज्ञान ना हो भैया, तो बताओ वो समाज में रह पाएगा? क्योंकि आज तो बुद्धि का जमाना चल रहा है, अगर जरा सी बुद्धि नहीं है तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तुम्हें ठग लेंगे, कहाँ कहाँ ठगे जाओगे। ज्ञान होना चाहिए। अगला अक्षर आपका कौन सा आता है? घा। जब जाओ तो जाकर के ये भी देखो कि हम विवाह करने आए हैं, भला घर भर बढ़िया बना है कि खाली झोपड़ी ही पड़ी है, झोपड़ी देख के विवाह कर दो ना, घर भी अच्छा होना चाहिए। और फिर आपका अगला अक्षर कौन सा आता है? अंगा।
ये भी देख लो कि जिस लड़के के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे कहीं वो अंगहीन तो नहीं है, कहीं वो अंगहीन तो नहीं, उसको चला फिरा करके घुमा फिरा करके भी देख लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है लोग नहीं जान पाते और जाकर के फंस जाते, बाद में पता चलता है। तो जब बाद में विवाह कर दोगे अपनी बेटी के तो क्या तब छुड़ौती करने लग जाओगे? नहीं, तब तो फिर जैसे निपटारा होगा वैसे निपटारा जाएगा। जब अपनी कन्या का विवाह देखने जाओ तो इन पांच अक्षरों के बलबूते अपनी कन्या का विवाह देखो, कभी आप जीवन में धोखा नहीं खाओगे। आज सबरी के माता पिता ने देखा कि हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, सबरी विवाह के योग्य हो गई। सबरी की माँ सबरी के पिता से कहने लगी, स्वामी ऐसा करो, हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, इसका कहीं पर विवाह कर दो, क्योंकि सयान बेटी घर में रखना भी ठीक नहीं है। कहते हैं जितनी बार अपनी जवान बेटी को पिता देखता है उतनी बार उसे पाप लगता है। तो शबरी की माँ ने शबरी के पिता से कहा, स्वामी हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है, तो ऐसा करो इसका कहीं पर विवाह देख करके बढ़िया अच्छा सा विवाह कर दो, कोई अच्छा लड़का देख करके। जब इतनी बात कही तो शबरी के जो पिता थे आज विवाह देखने लग गए। दो चार जगह पर देखा लेकिन एक जगह पर उनको सब कुछ अच्छा लगा, विवाह तय करके आ गए। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी तुम्हारे विवाह की परेशान थी, हमने अपनी बेटी का विवाह जगह पर तय कर दिया है। अच्छा, तो अच्छी बात है, महाराज तय कर दिया, बेटी घर में बैठी इसका विवाह कर देंगे तो हम भी महाराज छुट्टी पा जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब घर में बेटी सयानी होती तो माताएं बहने बड़ा परेशान हो जाती है कि कौन दिन होगा जिस दिन मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। अरे जब विवाह हो जाएगा हमारी बेटी का तो इस झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा, ये काफसर से टल जाएगी। आज वही बात कहती है शबरी की माँ, ठीक है स्वामी आप विवाह देख आए हो, अच्छी बात है। कैसा क्या है? सबरी के पिता बतलाने लगे, बहुत सुंदर लड़का है, बहुत अच्छे घर वाले, खानदान सब बढ़िया है, उन्हीं के घर में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब विवाह थोड़ा नजदीक आया तो सबरी के पिता जो थे, आज सबरी के जो बाराती आने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करने लगे, बरातियों के स्वागत के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करने लगे। करते क्या है? जब वह ब्याह योग्य हुई गयो, जब वह ब्याह योग्य हुई गयो, माता पिता का भगवान कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा। शबरी के पिता जाते हैं शबरी के बारातियों के स्वागत के लिए, क्या करते हैं? बकरा ब्याह है तो मंगवाई, बकरा ब्याह है तो मंगवाई, लख सबरी अस बचन सुनाई, लख सबरी अस बचन सुनाई, सबरी के पिता ने क्या किया? 300 बकरे खरीदे और 300 बकरे खरीद करके लाए और लाकर के कटघरे में बंद कर दिया और पशु पक्षियों को लाए और लाकर के कटघरे में बंद कर दिया। एक दिन का जिक्र, शबरी के पिता घर में नहीं थे, शबरी की माँ शबरी के केसों को दरवाजे की देहरी पर बैठी हुई बांध रही थी। जिस समय